दिए हैं, करीब करीब 13 लाख के ऊपर, करीब करीब आप समझ लो 14 लाख मैंने हम लोग का टारगेट था, तो 100% सेचुरेशन पॉइंट आ गया। लेकिन यहाँ त्रिपुरा में अभी 9 लाख के ऊपर यहाँ पर बाकी जो फैमिली है उनका कवरेज नहीं मिला, तो ये जो लेफ्ट आउट है तो इनके लिए हमने सोचा, बहुत सोचा क्या करें क्या करें, इनको कैसे कवरेज में आए। देखिए स्वास्थ्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जी हमको मार्गदर्शन दे दिया तो उस हिसाब से हम सेंट्रल में भी बात किए, और बात करने के बाद उनका जो क्राइटेरिया है जिस तरह उन्होंने बनाया इस तरह हमने भी यहाँ पर लास्ट जो बजट सेशन हुआ था तो उसमें हम लोग घोषणा किए। मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे साथ है प्रणजीत सिंह राय, उन्होंने बजट में इसको पेश किया है कि चीफ मिनिस्टर के नाम से चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना 2023, प्रधानमंत्री जी का जो जन आरोग्य योजना उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये हम लोग ये प्रकल्प और ये योजना लिए। इससे आज आप देखो आज इनोग्रेशन डे था तो बाकी आज त्रिपुरा के हर फैमिली हर मेंबर उसमें आ जाएंगे, और उसमें कोई ऐसा नहीं है जो उनका इस एज पर, सभी एज का उसमें कार्ड उनको मिलेगा। तो अभी अभी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में करीब करीब पौने तीन लाख लोगों को माने ये फाइनेंशियल जो सेटलमेंट है वो हो गया। अभी देखिए अब यहाँ काफी सारा हम लोग यहाँ पर टेंट जो बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दे रहा है रजिस्ट्रेशन, तो ये कार्ड भी मोरलेस सेम ही होगा, खाली मुख्यमंत्री के नाम से होगा, तो और इसमें कोई डिस्पेरिटी नहीं रखे, तो इस तरह सब खुश है, पूरा त्रिपुरावासी खुश है। और मैं समझता हूँ ये आज का दिन एक हिस्टोरिक डे है, और मैं इसीलिए मेरा सभी हमारा जो मिनिस्टर्स है और जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है और जितना डिपार्टमेंट में जो काम किया इस चीज को लेकर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।